तो बाजल, गुड लक फॉर द डे। शुक्रिया। और बाय द वे, मैं आपको याद दिला दूं कि अब हम प्रोफेशनली काम करेंगे, तो मैं आपको सारा दिन परेशान करूंगी, इसके लिए आप तैयार रहिएगा मिस्टर बाजल। इट्स ओके। बेस्ट ऑफ लक। अली, मेरे साथ आओ। ओके, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड ऑल द स्टाफ, थैंक यू फॉर कमिंग। हम तो चाहते थे कि डॉक्टर मुराद खुद इस प्रपोजल पर साइन करें, लेकिन मेरे लिए एजाज की बात है कि उनके प्रपोजल पर मेरे साइन होंगे। खैर, मैं आपका मजीद वक्त जाया किए बगैर आपको ये बताना चाहता हूं, जानते हैं, इस प्रपोजल के बाद आप सब लोगों के काम करने के औकात और रात की ड्यूटी में खातिर खाह बेहतरी आएगी। बस समझ लीजिए, आपकी जिंदगियां संवर जाएंगी। तो दोस्तों, अभी ये शुरुआत है, आने वाले दिन इससे भी बेहतर होंगे। शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर बाजे। बहुत शुक्रिया। एपे चलो मेरे साथ, इन्हें खुश होने दो, वैसे भी रिवेंज आराम से लेने में मजा आता है। ये तेवर अच्छे लगे मुझे। अच्छी। अच्छी। आप ठीक हैं? हेलो डॉक्टर। काइंडली आप मुझे अपना नाम बताएंगे? उमर। अच्छी। उमर खान। जी उमर साहब, क्या बीमारी है आपको? छींकें नहीं रुक रही डॉक्टर। पहले तो मैं समझ रहा था कि सर्दियों की वजह से है शायद, लेकिन ये छींकें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कोई दवा असर नहीं कर रही, छींक छींक के पागल हो चुका हूं। अच्छू। हाँ, नजला जुकाम। क्या कहती हो एपिक? हम दवा दे सकते हैं, और बेहतर इलाज के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होंगी ताकि आगे कोई मसला ना हो। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर जहाँ ज्यादा सिगरेट पी जा रही हो उस जगह से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, और ऐसी जगहों पर जाने से एहतियात करें जहाँ पे धूल मट्टी बहुत ज्यादा हो। वेरी गुड एपिक। बल्कि इसके साथ आपको ऊनी कपड़े या खद्दर के कपड़े भी नहीं पहनने, कोशिश करें कि सूती कपड़े पहने। और जैसे कि मेरी असिस्टेंट ने कहा है, आप इन सब बातों पर अमल करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी मैं आपको मेडिसिन लिख रही हूँ, ये आप लेते रहिए। अच्छी। गॉड ब्लेस यू। ओके, मैं द चीफ हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मिस्टर चीफ, बस हम चेकअप कर रहे थे। इन्हें हुआ क्या है वैसे? सीजनल एलर्जी है। हाँ, समझ गया मैं। मेडिसिन के अलावा और क्या एहतियात करनी है, बता दिया आपने इन्हें? जी, जाहिर सी बात है, मैं अच्छी तरह अपना काम करना जानती हूँ मिस्टर चीफ। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके। इजी, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया डॉक्टर। बड़ा आया, इसको तो मैं बाद में अच्छी तरह देखती हूँ। आज मिस्टर मलिक। ये डॉक्टर आयला, बोलिए। कैसे हो मलिक? और ये बताओ, हिना की तबीयत कैसी है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो। यानी अब तो ये कहना चाहिए कि उसकी आदत हो गई है मुझे। शुक्र है कि उसकी जान बच गई, उसने मुझे धक्का दिया और खुद गाड़ी के सामने आ गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। माशाल्लाह। मलिक मेरे भाई, देखो अब हिना भी तुम्हारे साथ ठीक हो गई है। जिंदगी में किसी इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा? हाँ हाँ, और मैं क्या चाहूँगा। तो फिर सोच के बताओ कि वो इस वक्त कहाँ होगी। हाँ हाँ, यही तो मैं सोच रहा था। हाँ, नजर तो नहीं आ रही, मगर है इसी हॉस्पिटल में कहीं। मैं कब से देख रहा हूँ, मगर कहीं पे भी नहीं है वो, कहीं भी नहीं है वो। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल। मैं चीफ डॉक्टर बाजिल को बताती हूँ अभी के अभी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, सी यू मलिक। सी यू डॉक्टर आयला। ठीक है, सी यू मलिक भाई। सी यू, अल्लाह खुश रखे। वाकई में डॉक्टर आयला एक बहुत अच्छी खातून है। आखिर मैं बातें किससे कर रहा हूँ? एपिक, हमें फिर से इसे तैयार करना होगा, पूरा शेड्यूल लिखना होगा फिर से। क्या तुम कर सकती हो? क्यों नहीं डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम डॉक्टर बाजल और अली को बिल्कुल जीतने नहीं देंगे। बिल्कुल, इन्हें भी तो खवतीन की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। चलो चलो। जबरदस्त एपिक, सारी नाइट शिफ्ट मिक्स कर दी तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने तो बस अपनी कोशिश की है। अब जाओ और इसको इसकी जगह पर रख दो, लेकिन ध्यान से कोई तुम्हें देखे। ठीक है डॉक्टर। ओके? और फिर वो गुस्से में उसकी साइकिल छीन के भाग गया। अरे सर, वहां चलते हैं। चलो।
हमारी ड्यूटी अचानक से चेंज कैसे हो गई डॉक्टर? क्या मतलब चेंज हो गई? मेरी नाइट शिफ्ट चेंज हो गई, मुझे अभी पता चला। डॉक्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी अपनी भी कुछ मसरूफियात होती हैं। मैं ये शिफ्ट नहीं कर सकता। जी डॉक्टर, और मैं भी ये शिफ्ट नहीं करूंगा। डॉक्टर अगर आपको ऐसा ही करना था तो हमारी पहली शिफ्ट अच्छी थी बहुत। डॉक्टर ऐसे कैसे चलेगा आखिर? अच्छा भाई ठीक है, एक मिनट रुको तो मैं देखता हूँ। लगता है कि कोई गलत फहमी हुई। आप इस चीज को इग्नोर करें और अपना काम करते रहें। चलो ली देखते हैं क्या मामला है। अभी पता लगा लेता हूं। अरे बाजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना, बतौर चीफ तुम ऐसे नहीं लेट सकते, इसीलिए तुम्हें थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं खुद को संभाल। मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम खुद को संभाल सकोगे या नहीं, लेकिन ये मत भूलना कि तुम ही ने ये गेम शुरू किया था। आयला, क्या वाकई चीफ बनना चाहती हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं चीफ बनना चाहती हूँ। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? हाँ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं तुम्हें एज अ चीफ देखना चाहता हूँ। क्या मतलब, तुम सीरियस हो? मेरा मतलब है कि अचानक से सब क्यों? क्या तुम वाकई संजीदा हो? संजीदा हूं मैं आयला, यानी मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकती हो। तुम सब संभाल लोगी। यू आर सो इंटेलिजेंट। कम ऑन बासिल, मेरी बात सुनो आयला। तुम साथ हो ना मेरे, यही काफी है। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ।